ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में सही और गलत का फैसला किसी भी लालच में आकर नहीं ले पाते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक शहर में धर्म का प्रचार कर रहे थे। उस शहर से नज़दीक एक गांव में एक मोची रहता था। मोची के घर से कुछ दूरी पर एक तालाब था। अपनी रोज दिनचर्या की तरह वह मोची एक दिन उस तालाब के पास पानी लेने गया। जैसे ही वह मोची उस तालाब के पास पहुंचा, उस मोची ने उस तालाब में एक दिव्य और चमत्कारी पुष्प को देखा। पुष्प को देखकर वह मोची अपने पत्नी को उसके बारे में बताया। उसकी पत्नी भगवान में विश्वास और आस्था रखने वाली थी। उसकी पत्नी ने उस पुष्प को देखकर बोला, जरूर इस रास्ते से भगवान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उस चमत्कारी पुष्प के बारे में जानकर वह मोची अपने मन में ही बहुत सारी योजनाएं बनाने लगा और उसने सोचा कि यह इस दिव्य पुष्प को राजा को देकर उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करेगा। तब उसकी पत्नी ने भी सोचा कि आखिर हम इस पुष्प का क्या करेंगे, इसे राजा को दे देते हैं जिससे हमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएगा। दोनों की सहमति के बाद वह मोची नगर से राजा के दरबार की तरफ चल दिया। उस दिव्य पुष्प को रास्ते में लेकर जाते समय एक व्यापारी ने उस मोची को बोला, ओए भाई आप इस पुष्प को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब मोची बोला, मैं इस दिव्य और चमत्कारी पुष्प को राजा को देने जा रहा हूँ और राजा से बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करूंगा। तब वह व्यापारी बोला कि तुम मुझे इस पुष्प को दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर वह मोची सोचा कि अगर यह व्यापारी मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा मुझे इससे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं देगा। यही सोचकर वह मोची उस व्यापारी को पुष्प को देने से मना कर दिया और अपने रास्ते से पूरा दरबार की तरफ जाने लगा। उस मोची ने देखा कि उस राज्य के राजा भगवान गौतम बुद्ध से मिलने उसी रास्ते से जा रहे थे। फिर राजा ने उस मोची के हाथ में दिव्य पुष्प देखकर बोला कि इसे तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजा की बात सुनते ही उस मोची के मन में एक दिव्य चेतना जागृत हुई और वह दौड़ते हुए भगवान गौतम बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध उस मोची को देखकर हैरत में पड़ गए और जब उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बातें बताई। उसके बाद मोची ने उस दिव्य चमत्कारी पुष्प को गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में इस चमत्कारी दिव्य पुष्प को देखकर बहुत लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे यह समझ आ गया है कि जिसकी मात्र छाया पड़ने से यह पुष्प इतना चमत्कारी और दिव्य हो गया हो, अगर मैं उसके शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। उसके बाद वह मोची उसी दिन से हमेशा के लिए भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने ज़िंदगी में सही और गलत का फैसला हम तभी ले सकते हैं जब हमें उसमें मोह माया और लालच की भावना ना हो। अतः अपने जीवन में सही और गलत का फैसला लेने से पहले हमें लालच को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम सही फैसला ले सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।